मेरे ख्याल में कोई चार दिन पहले भी आपका क्वेश्चन आया था। मुझे लगता है कि इस मौजूदा असेंबली या उसके जो स्टाफ है कोई ज़्यादा ही मेहरबान है, एक ही क्वेश्चन को चार दिन में दो दो दफ़ा लेके आते हैं असेंबली के अंदर। बहरहाल मैं फिर भी क्वेश्चन, मैं कोई चार घंटे से वेट कर रहा हूँ सिर्फ आपके इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, क्योंकि हो सकता था मैं एक दो दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ विजिट पे, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपको जवाब दे के फिर मैं जाऊँ, इसलिए चार घंटे मैं आपके सवाल का वेट करता रहा। जैसे कि जीपी के बारे में आपको इल्म है कि ये शुरू में एक एनजीओ थी जिसने टेम्प्रेरी वहाँ पे लोगों को अपॉइंट किया ताकि जो जहाँ जहाँ टीचर्स नहीं हैं, जहाँ जहाँ स्कूल्स नहीं हैं, वहाँ पे हम बच्चों को कम से कम बेसिक एजुकेशन दें जब तक गवर्नमेंट बलूचिस्तान वहाँ पे कोई चीज़ बनाए, वहाँ पे कोई बिल्डिंग बनाए या असातिज़ा भर्ती करे, इस तरह की कोई चीज़। वो सिलसिला चलता रहा और आखिर एक दिन एनजीओ ने उसको आंसर फंडिंग करने से जवाब दे दिया। तो महकमा तालीम ने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से, तो अभी तक तो हम उनको तनख्वाहें देते आए हैं, मगर फिर एक दिन ऐसा हुआ कि इसी असम्बली के अंदर ये एक करारदाद आई और यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सर मैं जब मैं बोल नहीं सकता हूँ, मेरे लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। तो जी मिनिस्टर साहब, हमारे मोहतरम स्पीकर साहब ने एक कमेटी बना के उनके पास भेजी और शायद वो खुद भी गए। यहाँ बहुत सारे स्पीकर्स ने बोला, बहुत सारे मेंबर्स ने इंसिस्ट किया कि आप भी खुद चले जाएं। तो उन्होंने जब उनसे बात की तो वेरी नेक्स्ट डे वो तशरीफ ले आए मेरे पास और मुझे कहा कि इस तरह का मसला है और अभी तक ग्लोबल जीपी का जो लोग हैं वो अभी उन्होंने हंगर स्ट्राइक किए और वो कोई यहाँ पे प्रेस क्लब के नज़दीक कोई जगह है तो वहाँ उनके मेल और फीमेल असातिज़ा इस सर्दी में, शदीद सर्दी थी, माइनस थी, तो मैंने कहा कि भाई वो भी हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, मोस्टली क्योंकि उसमें फीमेल टीचर्स हैं, तो वाकई वहाँ पे पैथेटिक कंडीशंस थी, बहुत बुरे हालात थे, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो हमने उनसे बातचीत की और मुझे खुशी है कि उन्होंने हमारी बात को माना और हमने उनसे ये कमिटमेंट की कि क्योंकि मैंने पहले दिन से ये कहा था कि ये जितने असातिज़ा हैं ये ट्रेंड है, ये लोगों की इनकी टेस्टिंग कंपनी से भी इनकी टेस्टिंग हुई है, इनके इंटरव्यूज़ हुए हैं और उन्होंने इनको पास किया है मिस्टर चेयरमैन। तो हमारी तो ये ख्वाहिश है कि इनको दोबारा अपॉइंट किया जाए और दोबारा इनको परमानेंट किया जाए और वो फाइल एक दफ़ा पहले भी पहले के चीफ मिनिस्टर के पास गई थी और वहाँ से डेफर होकर वापस आई थी, मगर उसके बावजूद मैंने अभी फाइल स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करके चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान को भिजवा दिए। अब ये मामला जो है बलूचिस्तान कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान का है कि वो इसको कैबिनेट में पेश करें और इस पर डिस्कशन करें और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने रिकमेंडेशन भेजी है उनको एक्सेप्ट किया जाए। तो मैं ये आपको बताता हूँ कि ये इनको हमने डिपार्टमेंट ने नहीं निकाला है, मगर क्योंकि ये टेम्परेरी बेसिस पे थे इसलिए अब हमारे पास इनके लिए फंड नहीं है। जब तक प्रॉपरली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान हमें फंडिंग नहीं करेगी, इनकी तनख्वाहें नहीं देगी और हमें अहकाम नहीं देगी इनको परमानेंट करने की, हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कुछ करने से कासिर हैं। तो मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी भी सिंपथीज उनके साथ हैं और हम चाहते हैं कि इनको मौका दिया जाए, क्योंकि इन्होंने सात सात आठ आठ साल जॉब्स किए हैं, अब ये किसी और डिपार्टमेंट में भी नहीं जा सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान से, काश के वो उस दिन भी ऐसे ही उठ गए थे, तो आज तो खैर वो है नहीं, फिर भी हाउस के थ्रू और मैंने थ्रू समरी उनको स्ट्रांगली रिकमेंड किया है और मुझे यकीन है आज जो ये हाउस में डिस्कशन हो रही है ये भी उनके गोश गुजार होगी और उनको रिकमेंड होगी और अगली कैबिनेट के अंदर ये इशू जब भी डिस्कस हुआ
मैं इस हाउस के थ्रू आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं पूरी सपोर्ट करूंगा कि इनको परमानेंट किया जाए।